तो यहाँ देखिए, ये है क्रियाल्टी का पेड़ और इस पे एक भाई अपनी बहन के लिए सब्जी भेजने के लिए खतरों का खिलाड़ी बना हुआ है। इतना लंबा इतना बड़ा पेड़ होता है क्रियाल्टी का, आप लोग भी देख लीजिए। इसमें वो कचनार की सब्जी लगती है और इस तरह से वो टहनियां काट रहा है ऊपर से, और मेरे मम्मी नीचे बैठे हुए वो इंतजार में है कि कब ऊपर से टहनी आए और फिर मैं सब्जी को छांटूंगी। तो वो मम्मी उनको छांट के मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे भाई ने अपने को पूरा छिल दिया इस कचनार की सब्जी को निकालने के लिए। आज मेरा वीडियोग्राफर भी वापस पहुंच गया फाइनली, पूरा एक हफ्ता लगा के अपनी नानी के पास गया हुआ था नानी से मिलने। तो वो नानी ने क्या क्या भेजा है वहाँ से, सब्जियाँ भेजी है प्योर ऑर्गेनिक अपने खेत की। तो ये हरा प्याज है, देखिए धनिया, धनिया तो मेरे खेत में बहुत ज्यादा है, धनिया भी क्यों भेज दिया उफ, इसका मैंने धनिया का साग बनाना है। तो ये देखिए हरा धनिया, धनिया और ये प्याज है मासी ने भेजा हुआ है, क्योंकि मेरा वीडियोग्राफर बोल रहा है कि मासी ने दिया हुआ है। मुझे नहीं पता, मैं तो यही सोच रही थी कि मैं पैकेट खोल रही थी। मासी है वहीं पे, मम्मी के साथ ही, मम्मी मासी का घर है। तो ये मेरी मासी ने भेजा हुआ प्याज और धनिया, तो इतना धनिया लगा उनके, पर शायद मासी को ये पता नहीं था कि मैंने भी धनिया लगाया खेत में। तो मासी का भी बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी मैं, धन्यवाद। और ये मम्मी ने भेजी है सब्जी, मम्मी और मेरे भाई ने, जो है मेरे स्पेशली फोन करके मेरे को बोल रहा था कि मैं तेरे लिए ना पेड़ पे चढ़ाऊँ खतरा लेके, कि कैसे कैसे चढ़ा, पर मैं तो जब निकाल दिया ना तभी बात कर रही हूँ। ये वो कैसे पहुंची है मेरे तक बिलासपुर से शिमला सब्जी, ये बहुत सबसे बड़ी बात की प्योर ऑर्गेनिक सब्जी है ये, और साल में एक बार ही होती है कचनार, इसको तो सभी जानते होंगे। तो ये देखिए कचनार की सब्जी, तो साल में एक बार मैं जरूर खाती हूँ और आती मेरे लिए बिलासपुर से ही है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ, कैसे मैं बनाती हूँ आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। आप भी बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं इसको। मम्मी और संजू का यानी कि मेरे भाई का, उसका भी मैं धन्यवाद थैंक यू कहूंगी कि उन्होंने इतनी मेहनत करके मेरे लिए सब्जी भेजी है। मतलब बहुत मेहनत लगती है, मुझे इसको छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रेडीमेड जैसे बाजार में आती है बिकने के लिए उस तरह से मेरे पास पहुंच गई घर में आके। तो मैं बनाऊंगी। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत सी बीमारियों को काटने वाली सब्जी है, तो ये हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करती है। ये इस सब्जी की खासियत, जो खाएंगे तो ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ, सबसे पहले मैं इसको धो लेती हूँ पानी से अच्छे से। मैं कुछ इस तरह से पानी में धो रही हूँ पहले, फिर मैं अब इसको उबालूंगी। तो इसको डाल दिया मैंने कुकर में, और अब दूंगी मैं इसमें स्टीम, दो या तीन प्रेशर देने, इसमें ज्यादा नहीं इसको पकाना है, बस तो एक प्रेशर भी काफी है। तो पकाते उसके बाद इसमें छौंक मारते, फिर देखते इसका वैसे रायता भी बनता है, इसका अचार भी बनता है। तो ये कुछ इस तरह से पक चुकी है और इसको बर्तन में खाली करूंगी। इसमें डाल दिया मैंने सरसों का तेल, तेल थोड़ा ना इस सब्जी में ज्यादा ही लगता है क्योंकि ड्राई ड्राई होती है, तो थोड़ा तेल ज्यादा, क्योंकि अब जो ज्यादा तेल नहीं खाते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ना मैं नमक इसी में ऐड कर देती हूँ फिलहाल थोड़ा थोड़ा, ताकि थोड़ा अंदर तक रच जाए इसमें नमक, क्योंकि इसे नमक ऐड होना ना मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे फिला दूंगी हाथ से, वैसे नमक लगना था, सिर्फ नमक मैं सबसे पहले डाल रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा हरी प्याज की कलियां, मैंने सोचा कि खुशबू के लिए प्याज ये वाला भी डाल दिया जाए जो प्योर ऑर्गेनिक मेरी मासी ने भेजा हुआ है, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसमें डाल रही हूँ मैं एक चम्मच अब जीरा, दो लाल मिर्च, इसमें मैं सारे ना खड़े मसाले ही डाल रही हूँ, मुझे भूल चुके हैं, मुझे खुशबू आ चुकी है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का। कसूरी मेथी भी डाल दूँ मैं इसमें, तो प्याज डाल दूँगी वो कच्चा कच्चा ही रहने दूंगी थोड़ा। आप इसको टमाटर वाली भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो टमाटर तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालिए। मैं नहीं डालूंगी, मुझे नहीं लगते अच्छे इसमें टमाटर, अगर टमाटर नहीं हो किसी के पास आप दही भी ऐड कर सकते हैं इसमें, मैं दही भी नहीं डालूंगी। डालिए मैं प्याज डालने जा रही हूँ इसमें, बस तो प्याज मैंने इसमें भी ऐड किया हुआ है हरी प्याज, और सारे मसाले इसमें और भी ऐड है। तो ये है मेरी कचनार की टेस्टी वाली सब्जी, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हो। तो ये बन चुकी है मेरी कचनार की सब्जी, थाली में आ चुकी है। इसके ऊपर से डालती हूँ थोड़ा सा देसी घी, जो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा देगा।